नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुल। मैं ले आया हूं आपके लिए खेल जगत की खबरें, जहां पर भारतीय टीम का कल मुकाबला होने जा रहा है नीदरलैंड से, जहां भारतीय टीम ने बीते दिनों पाकिस्तान को धूल चटाई और धूल चटाई उस रोमांचक मुकाबले में जिस पर पूरे देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। मैच आपको याद होगा किस तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन और एक परफेक्ट टीम के साथ भारतीय टीम उतरी थी और मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। आखिरी ओवर तक यह मुकाबला गया और आखिरी ओवर में किस तरह से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की, अश्विन के चौके से मुकाबला अपने नाम किया, सबने देखा। लेकिन इसके बाद अब भारतीय टीम के सामने है एक कमजोर टीम नीदरलैंड्स। कल 12:30 बजे नीदरलैंड्स से सिडनी में भारतीय टीम भिड़ने वाली है, लेकिन ऐसे में अब ये देखना जरूरी हो जाता है कि क्या भारतीय टीम कुछ चेंजेस करेगी, क्या भारतीय टीम में बदलाव करने जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात और, एक चुनौती और भारतीय टीम के सामने आती है कि जिस विनिंग कॉम्बिनेशन, जिस विनिंग टीम के साथ आपने मैच जीता है, क्या आप उसमें छेड़छाड़ करना चाहेंगे? अमूमन टीम ऐसा नहीं करती, लेकिन कुछ बड़े प्लेयर को आराम दिया जा सकता है। और जहां पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीता, उसके बाद नीदरलैंड्स की टीम पाकिस्तान से तो कमजोर ही है, तो ऐसे में भारतीय टीम बेशक जीत का हौसला लेकर उतरेगी, लेकिन वहां पर उनको टीम में भी कुछ बदलाव कर लेने चाहिए। जैसा कि पिछले मैच की ही हम बात कर लें तो अक्षर पटेल की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। उन्हें एक ओवर दिया गया, उस ओवर में उन्होंने काफी रन लुटा दिए जो कि भारतीय टीम को मैच में भारी पड़ सकती थी। वहीं बल्लेबाजी में भी उन्हें ऊपरी क्रम दिया गया, ऊपर बुलाया गया, वहां पर भी वे कुछ कमाल नहीं कर पाए। तो इस तरह से जहां भारतीय टीम एक बाएं हाथ का अगर बल्लेबाज ढूंढ रही है तो अक्षर पटेल की जगह ऋषभ पंत या फिर दिनेश कार्तिक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। वही बात करें टीम में किसी बड़े प्लेयर को अगर आराम देना है तो हार्दिक पांड्या को आराम दिया जा सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या 4 ओवर वाले बल्लेबाज प्लेयर है, मतलब कि वो 4 ओवर भी डालते हैं मैच में और बल्लेबाजी भी करते हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम को सहेज कर रखना, यानी कि हार्दिक पांड्या को एकदम फिट एंड फाइन रखना काफी जरूरत है, काफी जरूरी है, ताकि नॉकआउट मुकाबले जब भारतीय टीम के होंगे वहां पर संकट मोचन बनकर हार्दिक पांड्या उभरे। अभी तो बहरहाल नीदरलैंड की टीम काफी कमजोर साफ तौर पर दिखाई दे रही है क्वालिफाइंग मुकाबलों के बाद। बेशक वे ग्रुप स्टेज में पहुंचकर वर्ल्ड कप खेल रही है, लेकिन नीदरलैंड्स की टीम को भी पता है कि भारतीय टीम से भिड़ना आसान नहीं होगा, आगे की राह आसान नहीं होगी। जिस तरह से बांग्लादेश से वे पहला ही मुकाबला हार चुके हैं, तो उनको एक और हार अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं रास्ता तो उनके लिए वर्ल्ड कप का बंद होता नजर आ रहा है। तो अब मैच पे नजर है, कल मैच हम देखेंगे सारे और मैच के बाद आपके साथ अपडेट के लिए जुड़ेंगे। नीदरलैंड से मुकाबला होने जा रहा है, 12:30 बजे का ये समय रहेगा। पल पल की अपडेट के लिए और क्रिकेट जगत की अपडेट के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।